आलू और बैंगन की सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और इसे बनाना बहुत आसान है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल कुक विद इंडियन टेस्ट। तो आज के वीडियो में हम आलू और बैंगन की सब्जी बनाएंगे। तो इसके लिए कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल अच्छे से गर्म होने दिया है। इसके बाद थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। सरसों के तेल में सब्जी अच्छी बनती है। आप चाहे तो आप अपना पसंद के ऑयल डाल सकते हैं। अब इसमें 1 चम्मच जीरा डाल दिया, आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे और 1/4 चम्मच मेथी दाना डालेंगे। जब भी आप बैंगन की सब्जी बनाते हैं तो उसमें हींग और अजवाइन जरूर डालें। इससे क्या होता है कि पाचन शक्ति हमारी अच्छी रहती है। अब इन सब खड़े मसाले को कुछ सेकंड के लिए रोस्ट करेंगे। तो ये देखिए, हमने मिक्स कर लिया और हमारा ये मसाला रोस्ट हो गया है। अब इसमें 3 से 4 लहसुन के कलियों को बारीक काट करके डालेंगे और इसे भी कुछ सेकंड के लिए रोस्ट कर लेंगे। बस लहसुन का कच्चापन चला जाए इतना देर ही पकाना है। तो ये देखिए, लहसुन लाइट कलर का हो गया है, थोड़ा सा ये फ्राई हो गया है। अब इसमें एक छोटा सा प्याज बारीक काट करके डालेंगे और इसे भी 1.5 से 2 मिनट तक मध्यम आंच पर फ्राई कर लेंगे और इसे रुक रुक करके चलाते रहेंगे ताकि एक साइड से प्याज जल ना जाए। तो ये देखिए, प्याज भी लाइट कलर का हो गया है। प्याज को भी ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही फ्राई करना है। तो बस इसे हमने मिक्स कर लिया। अब इसमें सूखी मसाला डाल देंगे इसी टाइम। तो हम आज थोड़ा सा मसाला में बना रहे हैं, आप चाहे तो मसाला और बढ़ा सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर डाल दिया। आप चाहे तो इसमें रोस्टेड जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। इसे कुछ सेकेंड के लिए भून लेंगे ताकि धनिया के पाउडर और हल्दी का कच्चापन चला जाए। आप चाहे तो इसी जगह लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसमें 3 से 4 टमाटर बारीक काट करके डालेंगे। टमाटर थोड़ा सा ज्यादा डाल रहे हैं, ये सब्जी थोड़ा सा खट्टा लगता है तभी खाने में टेस्टी लगते हैं। इसे एक बार मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमने पहले सूखी मसाला डाला है वो जले ना। 2 से 3 हरी मिर्च डाल देंगे। अगर आपको तीखा पसंद है तो मिर्च और बढ़ा करके भी डाल सकते हैं और लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग इस टाइम नमक डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये मैं सेंधा नमक यूज कर रही हूँ, इसीलिए मात्रा ज्यादा लग रहा है, पर ये परफेक्ट है। मैंने अपने हिसाब से डाल दिया, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक डालने से टमाटर हमारा जल्दी से पक जाएगा और ऑयल सेपरेट हो जाएगा। इसे मिक्स करके 1.5 से 2 मिनट तक मध्यम आंच पर ढक करके पकने देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए और तेल भी सेपरेट हो जाए। तो इसे ढक देते हैं 1.5 से 2 मिनट तक। आज आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं ताकि मसाला जले ना। तो यहाँ पे हमने 150 से 200 ग्राम एक बड़ा सा बैंगन ली है। और बैंगन कुछ तरीके से जब खरीदते हैं ना तो चेक कर लें कि वो बैंगन सॉफ्ट और हल्का होना चाहिए वजन में, तो फिर उस बैंगन में बीज कम होते हैं। तो ये देखिए, इसमें बीज इतना नहीं है। तो इस बैंगन को काट लेंगे, तो थोड़ा सा मोटा पीस में कट करना है। ये देखिए इस तरीके से, ना तो ज्यादा मोटा होना चाहिए ना ही ज्यादा पतला होना चाहिए। आप चाहे तो इसकी जगह छोटे बैंगन भी ले सकते हैं, कोई भी बैंगन का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, छोटे या फिर जो हरा वाला लंबा वाला बैंगन आते हैं वो भी ले सकते हैं। अब इसे पानी में डाल देंगे ताकि बैंगन काला नहीं होगा। तो पानी में डिप करके रख देते हैं, तब तक मसाला चेक कर लेंगे। तो 1.5 से 2 मिनट यहाँ पे हो गया है, टमाटर सॉफ्ट हो गया है और आप देख सकते हैं वीडियो में तेल थोड़ा सा दिखने लग गया है। तो एक बार स्पैचुला को दबाते हुए इसे मिक्स कर लेंगे ताकि टमाटर दब जाए, थोड़ा सा मिक्स हो जाए। 2 आलू को मोटे पीस में कट करके डालेंगे। तो पहले पहले मैंने आलू को अच्छे से धो लिया है, धोने के बाद कट करने के बाद भी हमने धो करके रखा था। आलू को आप चाहे तो छील करके भी डाल सकते हैं, पर जब छिलका लगा हुआ आलू डालते हैं सब्जी में तो वो आलू जल्दी से मिक्स नहीं हो जाते होते हैं। अब इसे 1.5 से 2 मिनट तक फिर से पकने देंगे, धीमी आंच पे इस बार पकाएंगे ताकि मसाला जले ना और आलू भी थोड़ा सा पक जाए।
ये देखिए मैंने इसे 2 से 3 मिनट तक पकाया है, तो अच्छे तरीके से और तेल सेपरेट हो गया है, जो भी टमाटर में पानी बचा था वो सूख गया है। और इसे फिर से ढक के पकने देंगे ताकि आलू थोड़ा सा और पक जाए और मसाला भी भून जाए। मसाला जब अच्छे से भूनेंगे तभी आपकी सब्जी टेस्टी बनेंगे। तो ये देखिए कढ़ाई में तेल दिखने लग गया है, मीन्स हमारा मसाला अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें कटा हुआ बैंगन डालेंगे। तो हमने पानी में जो डीप करके बैंगन रखा है वो पानी को निचोड़ते हुए डालेंगे। पानी इसमें ज्यादा नहीं डालना है इस टाइम, तो सारे बैंगन को डाल देंगे। तो फ्रेंड अगर आपको ये सब्जी सूखी खाना पसंद है तो इस टाइम बैंगन डाल दें, पर 1 से 1.5 मिनट तक तेज आंच पे पकाएं। अगर आप बैंगन को डालते ही आंच को धीमी कर देंगे तो वो बैंगन पकती नहीं है। तो इसीलिए जब आप बैंगन डाल देते हैं तो आंच को आप तेज कर देंगे 1 से 1.5 या फिर 2 मिनट तक, और इसे ढक करके पकने देंगे। तो पहले मसाला को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए अच्छे से मसाला मिक्स हो गया है, बैंगन लटपट से गए हैं मसाले से। अब 1 से 1.5 मिनट तक आंच को तेज करके और इसका ढक्कन बंद कर देंगे, पकने देंगे। ऐसा करने से बैंगन हमारा जल्दी से पकेगा। कभी भी आप जब बैंगन बनाते हैं तो जब बैंगन पकाते हैं डालते हैं कढ़ाई में, तो उस टाइम आंच को तेज रखें, ये एक टिप्स है। तो ये देखिए 1 से 1.5 मिनट तक बैंगन को तेज आंच पे पकाने के बाद 1 कप के करीब पानी डालेंगे। पानी ज्यादा नहीं डालना है। और अगर आपको सूखी सब्जी खाना पसंद है तो इस टाइम पानी नहीं डालकर आंच को बिल्कुल धीमी कर दें और ढक्कन बंद करके पकने दें 5 से 7 मिनट तक, या फिर जब तक बैंगन और आलू पक नहीं जाते हैं तब तक इसे पकाएं। तो मैंने इसमें 1 कप पानी डाल दिया है, ज्यादा ग्रेवी भी नहीं डालना है, फिर ये सब्जी खाने में इतना टेस्टी नहीं लगता है। इतना हमने पानी डाला तो ये लटपट से जाएंगे, फिर से ढक्कन बंद कर देंगे। इस बार 5 से 6 या फिर 7 मिनट तक पकने देंगे, या फिर जब तक आलू और बैंगन अच्छे से पक नहीं जाते तब तक पकाएंगे। तो ये देखिए ग्रेवी इतना बचा है, आप चाहे तो ग्रेवी को थोड़ा सा और जला भी सकते हैं। आलू पक गया है, आलू को ज्यादा नहीं पकाना है, इस तरीके से पकाना है। आलू पक गया है तो बैंगन भी पक ही जाते हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में। बस सब्जी हमारी तैयार है। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और बारीक कटी हुई हरा धनिया की पत्तियां डाल देंगे। अगर आप सूखी सब्जी भी बना रहे हैं तो बाद में गरम मसाला और बारीक कटी हुई हरा धनिया की पत्तियां डाल करके इसे गर्मा गर्म परोसे रोटी या फिर नान चावल के साथ खा सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।